देखो, इसमें बात कर रहे हैं हम रिगार्डिंग जो जीएस का पेपर आपका है एसएससी सीजीएल के अंदर, और जिसमें आपका तीनों ही चीज़ें आती हैं साइंस में, जनरल साइंस के अंदर एक आपका फिजिक्स है, केमिस्ट्री है और एक बायोलॉजी है। तो इसके सारे क्वेश्चन प्रीवियस ईयर के करा रहा हूँ मैं, जो सीजीएल 18 में आए हुए थे। राइट, देखो इसमें सबसे पहली बात आप जान के चलो कि जीएस में जो आपके क्वेश्चंस आते हैं वो 3 से 6 नंबर तक, कई बार 7 नंबर कह रहा हूँ, 3 से 7 क्वेश्चन तक देखने को मिलता है। राइट, अच्छा 3 से 7 का मतलब ये है कि हो सकता है आपके पेपर में 7 क्वेश्चन भी आ जाए, हो सकता है कि कम से कम 3 भी आ जाए, एक एक क्वेश्चन आ जाए फिजिक्स केमिस्ट्री और बायोलॉजी का। राइट, अच्छा ये भी ध्यान रखिएगा कि ऐसा हो ही नहीं सकता कि पेपर में सवाल आए ही ना, बहुत रेयर ऐसा होता है, इससे ज़रूर सवाल आते हैं। राइट, अच्छा देखो पेपर आपका जीएस का सबसे ज़्यादा दिक्कत वाला होता है, बिकॉज अगर पेपर अच्छा आया तो आपके हो जाते हैं करीब 25 सवाल हैं तो 18-20 भी लोग कर लेते हैं, लेकिन अगर ऊटपटांग आता है आपका स्टैटिक वाला पार्ट, कहीं से पूछ लिया, करंट अफेयर्स कहीं से पूछ लिया, इंडिया के बाहर से भी पूछ लेता है, तब आप फंस जाओगे। उस केस में आपका ये पार्ट आपको बचा के रखता है, क्योंकि अगर 5 सवाल भी आ गए और आपके सीधे रटे रटाए क्वेश्चन आ गए तो काम बन जाता है। दूसरी बात देखो, इसमें क्या होता है, जनरल साइंस के अंदर फिजिक्स केमिस्ट्री और बायोलॉजी में आपके जो सवाल होते हैं वो रिपीटेड, मतलब पीछे साल के जो आए हुए होते हैं वही होते हैं। जैसे सीजीएल 18 का जो है वो एमटीएस में पूछ लेगा, सीएचएसएल का जो पेपर है वो सीजीएल में पूछ लेगा, ऐसे पूछा जाता है। तो चांसेस रहते हैं कि आपके क्वेश्चंस बार बार रिपीट हो और वही सवाल होते हैं जो बार बार आपको देखने को मिलता है। तो चलिए स्टार्ट करता हूँ मैं। देखिए कोई डाउट होगा तो कमेंट में लिखेगा, सारा मैं देखूंगा उसका आंसर। देखो पहला क्वेश्चन आपका है, मैं हिंदी और इंग्लिश दोनों, देखो पेपर आपको इंग्लिश में डिस्प्ले होगा, मैं बोलूँगा हिंदी में दोनों को, तो दोनों के लिए भी हेल्पफुल रहेगा कि विच ऑफ द फॉलोइंग एलिमेंट इज़ अ मेटलॉइड, इसमें से कौन सा अधातु है आपका वो बताना है आपको। राइट, देखो मेटलॉइड बच्चे, देखो मेटल, नॉन मेटल और मेटलॉइड, ये अधातु नहीं, ये उपधातु होता है आपका, है ना, मेटलॉइड को उपधातु कहते हैं। राइट, देखिए इसका आंसर है सिलिकॉन। मेटलॉइड वो होता है जिसके अंदर मेटल और नॉन मेटल दोनों की ही प्रॉपर्टी होती है, धातु और अधातु दोनों की प्रॉपर्टी होती है, उसको हम लोग मेटलॉइड कहते हैं। सिलिकॉन है, टिन, बिस्मथ, फॉस्फोरस, ये सारे एलिमेंट होते हैं। राइट, और ये सारे मेटल की कैटेगरी में आते हैं। राइट, तो सिलिकॉन इसका सही आंसर हो जाएगा। दूसरा है आपका कि मिथाइल प्रोपेन इज़ अ आइसोमर ऑफ, देखो आइसोमर्स किसे कहते हैं हम लोग हैं, आइसोमर वो होता है जिसके डिफरेंट डिफरेंट स्ट्रक्चर हो सकते हैं बट फॉर्मूला एक होता है। जैसे कि एग्जांपल के तौर पे, जैसे मान लीजिए कोई नाम है एक्स, राइट, या कोई नाम है ए, और उसके 3 हमने अलग अलग डायग्राम बना दिए, है ना, तो जो तीनों अलग अलग डायग्राम है देखने में अलग होंगे लेकिन है वो एक्स ही, उसी को हम आपके कहते हैं आइसोमर्स कहते हैं। इसको हिंदी में कहा जाता है समावयता, ठीक है, समावय भी कहते हैं एलिमेंट आइसोमर को। राइट, तो मिथाइल क्वेश्चन है आपका कि मिथाइल प्रोपेन किसका समावयवी है, किसका आइसोमर है आपका, तो इसका एन ब्यूटेन कैसे हुआ, उसके लिए आप कुछ याद कर सकते हो। अगर कार्बन एक होता है तो उसको मेथ कहा जाता है, मैं बोल देता हूँ कार्बन एक को मेथ, 2 वाले को कहा जाता है आपका एथ, 3 को कहा जाता है प्रॉप, 4 को कहते हैं ब्यूट, 5 को कहते हैं पेंट और 6 को कहते हैं हेक्स। चाहो तो 6 तक याद कर सकते हो, आगे पेपर में देखने को मिल सकता है। राइट, तो देखो इसमें मिथाइल प्रोपेन पूछा हुआ है, तो प्रॉप में 3 होते हैं कार्बन और मेथ में होता है एक, मेथ में एक होता है, मैंने बोला है आपको दोबारा सुन लेना, तो प्रॉप में 3, मिथाइल में 1, तो 3 और 1 4, तो मिथाइल प्रोपेन में टोटल 4 कार्बन है, तो इसमें देखिए कौन से में 4 पाया जाएगा, तो ब्यूटेन, आपको ब्यूट में 4 होते हैं, 4 इसका सही ऑप्शन हो जाएगा, मतलब ब्यूटेन इसका सही ऑप्शन हो जाएगा, एन ब्यूटेन के ये आइसोमर होता है मिथाइल प्रोपेन। ठीक है, हिंदी में भी नाम यही आएगा आपको, एन ब्यूटेन ही लिख करके आएगा। राइट, जे जे थॉम्सन रिसीव द नोबेल प्राइज़ इन द फिजिक्स ऑफ, फिजिक्स फॉर द डिस्कवरी ऑफ, जे जे थॉम्सन को किस क्षेत्र के लिए फिजिक्स में नोबेल प्राइज़ दिया गया था, तो जो नोबेल पुरस्कार मिला था वो इलेक्ट्रॉन की खोज करने के लिए दिया गया था। याद रखिएगा तीनों के लिए आते हैं, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन, दोनों तीनों का ही आता है आपका। इलेक्ट्रॉन की खोज करने वाले जो हैं आपके सर जे जे थॉम्सन है, प्रोटॉन के ई रदरफोर्ड है आपके, न्यूट्रॉन के चैडविक है आपके। ईंट पर नाच कोड होता है आपका, अगर आप चाहो तो याद कर सकते हो, ईंट पर नाच, है ना, और ईंट पे नाच का मतलब होता है, ई का मतलब होता है इलेक्ट्रॉन, टी से थॉम्सन हम लोग बोलते हैं हिंदी में, प से होता है प्रोटॉन, र से रदरफोर्ड, न से न्यूट्रॉन, च से चैडविक। राइट, तो ये आप याद कर सकते हो, ईंट पर नाच, और इससे आपका ये कोड, आपको ये बहुत सवाल पूछा जाता है पेपर में, इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन की खोज करता और कौन से साल में है ये भी आ जाता है, साल वैसे ज़रूरी नहीं है, ज़रूरी है आपको ये तीनों इन्वेंटर के नाम।
विच गैस इन इट्स सॉलिड स्टेट इज ऑल्सो नोन एज ड्राई आइस, कौन सी इसमें से शुष्क बर्फ के रूप में जानी जाती है? तो कार्बन डाइऑक्साइड जो होता है आपका, वो आपका ड्राई आइस कहलाती है, आपकी शुष्क बर्फ कहलाती है, राइट। तो ये ध्यान रखिएगा, ये बहुत ज़्यादा पूछा जाता सवाल आपका कि जब CO2 को हम सॉलिड स्टेट में ले आते हैं, जमा देते हैं, तो वो ड्राई आइस का रूप ले लेती है, शुष्क बर्फ का रूप ले लेती है। द प्रॉपर्टी ऑफ कैटिनेशन इज प्रोडोमिनेंट इज इन, देखो कैटिनेशन का मतलब होता है श्रृंखलन, इसको हिंदी में कहते हैं, कि जो श्रृंखलन की जो प्रॉपर्टी होती है, गुण होता है, वो किस में सबसे ज़्यादा पाया जाता है? तो श्रृंखलन होता है एक चेन बनाने की प्रॉपर्टी, कैटिनेशन मतलब होता है एक चेन बनाना, और ये प्रॉपर्टी होती है कार्बन के अंदर। कार्बन के अंदर ये प्रॉपर्टी होती है कि कार्बन दूसरे कार्बन से मिल करके एक लंबा चेन बना सकता है, राइट, और इसी को कहा जाता है कैटिनेशन प्रॉपर्टी, राइट। इसी प्रॉपर्टी की वजह से कार्बन को मिलाने से किसी भी मटेरियल के अंदर मजबूती आती है, स्ट्रेंथ आता है। याद रखिएगा, कार्बन के अलावा आपका सिलिकॉन जो होता है वो भी ये प्रॉपर्टी दिखाता है, लेकिन 7 से 8 एटम तक, ये ध्यान रखिएगा, ये इम्पॉर्टेंट आपके लिए। अगला है, नेम द ग्लैंड दैट कंट्रोल्स द फंक्शन ऑफ द अदर एंडोक्राइन ग्लैंड्स, कौन सा जो ग्रंथि होती है जो अंतःस्रावी ग्रंथियों को कंट्रोल करती है? तो ये पिट्यूटरी ग्लैंड होती है, पीयूष ग्रंथि कहते हैं, जो बाकी सारी ग्लैंड को, अस्थियों को, ग्रंथियों को, अस्थियानी ग्रंथियों को कंट्रोल करती है, राइट। ये फेमस क्वेश्चन है, पिट्यूटरी ग्लैंड, इसको याद रखिएगा डायरेक्ट। पीयूष ग्रंथि को हम मास्टर ग्रंथि भी कहते हैं, ध्यान रखिएगा आपका, है ना। विच ऑफ द फॉलोइंग हैज़ ए स्ट्रॉन्ग फ्रूटी फ्रेगरेंस, देखो फ्रेगरेंस मतलब होती है खुशबू, और फ्रूटी मतलब होती है फल, मतलब अच्छा, जिसमें स्मेल अच्छी आएगी, किसके अंदर पाया जाता है? तो इथाइल एसीटेट है आपका, इथाइल एसीटेट के अंदर जो स्मेल होता है उसका, वो अच्छा होता है, उसकी महक अच्छी होती है, खुशबू अच्छी होती है ना, फलों की जैसे खुशबू होती है आपकी, तो अच्छा खुशबू इथाइल एसीटेट का है। बाकी मिथेनॉल आपका, मिथेनोइक एसिड विनेगर का आपका वो हो गया, एक रूप हो गया समझ सकते हो, मिथेनॉल आपका एक अल्कोहलिक प्रोडक्ट है आपका, तो इथाइल एसीटेट इसका राइट आंसर है। देखो अगला है आपका कि बकमिंस्टर फुलरेंस इज एन एलोट्रॉप ऑफ, कि बकमिंस्टर फुलरेंस किसका एलोट्रॉप होता है? देखो एलोट्रॉप्स क्या होते हैं, जब कोई चीज़ एक से ज़्यादा रूप में पाई जाती है किसी भी एलिमेंट का, जैसे मान लो एक ये एलिमेंट है, कोई एक चीज़ है जो कई रूप में पाई जाती है, जैसे मान लो सेब है, एप्पल है, एप्पल के कई वैरायटी पाई जाती हैं, तो जितनी भी अलग अलग वैरायटी होती है उसको हम एलोट्रॉप्स कहते हैं। तो ये जो फुलरेंस होता है, बकमिंस्टर फुलरेंस, फुलर कहते हैं इसको केमिस्ट्री की भाषा में, ये आपका कार्बन का एक एलोट्रॉप होता है। कार्बन के 3 एलोट्रॉप हैं, ध्यान रखिएगा, एक आपका ग्रेफाइट है आपका, एक आपका डायमंड है, और एक आपका है ये फुलरेंस बकमिंस्टर, ये तीनों इंपॉर्टेंट है, परीक्षा में तीनों आ सकते हैं, याद रखिएगा। हिंदी के अंदर जो एलोट्रॉप्स होते हैं उसका मतलब होता है अपर रूप, तो फुलरेंस, फुलरेंस हिंदी में आएगा तो ऐसे ही लिख के आएगा, और वो बोलेगा कि फुलरेंस किसका अपर रूप है, तो वो कार्बन का अपर रूप है, ग्रेफाइट और डायमंड भी होते हैं इसके अपर रूप। विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एल्डिहाइड, इसमें से कौन सा एल्डिहाइड होता है? देखिए बहुत सारे फंक्शनल ग्रुप होते हैं आपके, तो उसमें से जो एल्डिहाइड होता है उसकी पहचान ये होती है कि उसके नाम के लास्ट में अल लगा होता है, AL, राइट। और इसकी पहचान होती है, जब फॉर्मूला देखोगे तो उसमें CHO होता है, CHO एल्डिहाइड ग्रुप को रिप्रेजेंट करता है, तो इसमें देखो अल किस में लगा हुआ है, प्रोपेन नल के अंदर। जो ONE जो होता है इसको हम कीटोन ग्रुप के लिए बोलते हैं, कीटोन के लिए ONE लगाते हैं। OL जो लगाते हैं वो एल्कोहल OH ग्रुप के लिए लगाते हैं। तो अलग अलग तरह के फंक्शनल ग्रुप हैं जिसके लिए नाम देते वक्त हम ऐसा करते हैं, तो ऐसे पता कर सकते हो। कीटोन याद रखिएगा, उसके लिए ONE लगाते हैं, और एल्कोहल के लिए OL लगाते हैं। देखो अगला है कि विच ऑफ द फॉलोइंग हैज़ द हाइएस्ट प्रोटीन कंटेंट पर ग्राम, इसमें से किस में प्रोटीन की कंटेंट सबसे ज़्यादा होती है? तो सोयाबीन के अंदर सबसे ज़्यादा होती है, जो अभी ऑप्शन दिए हुए हैं उसके अंदर, राइट। तो ये रिच होता है, मतलब इसमें मात्रा ज़्यादा है पर ग्राम, एक ग्राम के अंदर अमाउंट ऑफ प्रोटीन ज़्यादा आपके अंदर है ना। तो हिंदी के लिए भी यही रहेगा आपको, किसके अंदर, प्रोटीन को प्रोटीन ही कहते हैं हिंदी में भी, राइट। विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ अ कम्युनिकेबल डिसीज़, कम्युनिकेबल डिसीज़ इसमें से कौन सा है? देखो मिसल्स होता है खसरा, एक बीमारी होती है खसरा, और खसरा क्या होता है कि पहले इसके टीके नहीं लगते थे जब, तो ये जनरली कम उम्र के बच्चों को छोटे उम्र में लगते थे, राइट।
और इसमें क्या होता था कि जैसे बुखार, खांसी, नाक बहना, इस तरह की दिक्कतें होती थी। बाद में ये टीका आया आपका, और एक बार जिसको हुआ तो उससे दूसरे से भी कोरोना वायरस एक से दूसरे को फैल रही है। कोरोना वायरस में दिक्कत ये है कि ये होने के बाद रिकवरी के लिए बहुत कम टाइम मिल रहा था लोगों को, तो लोगों की डेथ हो जा रही थी। लेकिन इसमें ऐसा कुछ खास इतना ज़्यादा नहीं था जितना कोविड में था, राइट। और मिसल्स जो आपका है, ये खसरे की बीमारी है जो एक इंसान से दूसरे से खांसने या छींकने से फैलती थी, राइट। बाकी अस्थमा और बाकी जो ऑप्शन दिए हुए हैं वो इसमें नहीं आएगा, ठीक है। विच सेल्स इन आवर बॉडी आर पॉपुलरली कॉल्ड सोल्जर ऑफ द ह्यूमन बॉडी? देखो, सोल्जर ऑफ द ह्यूमन बॉडी मतलब होता है जो हमारी लड़ाई करे, हमारी वो करे बीमारियों से, बाकी चीज़ बीमारियों कह रहा हूँ, एक तरह समझो आप कि जब भी कोई घाव हो जाता है शरीर पे या फिर कोई भी जख्म हो जाते हैं तो जो भरने का काम करता है आपके ब्लड के अंदर, WBC करता है आपका ना, वाइट ब्लड सेल्स जो होते हैं आपके, वही आपके घाव भरते हैं। तो इसीलिए इसको कहा जाता है सोल्जर ऑफ द ह्यूमन बॉडी, ठीक है। मानव शरीर का ये सोल्जर होता है, सिपाही होता है, और इसको हिंदी में कहते हैं श्वेत रक्त कणिकाएं, राइट। तो ये आपका सही ऑप्शन आ जाएगा। द अमाउंट ऑफ लाइट एंटरिंग इन टू आई कैन बी कंट्रोल एंड रेगुलेटेड बाई, देखिए आँखों के अंदर जो लाइट जाती है आपकी वो कंट्रोल कौन करता है आपको? देखो, आपकी आँख के अंदर कुछ पार्ट्स होते हैं, जैसे कि आपका प्यूपिल हो गया, रेटिना हो गया, कॉर्निया हो गया, आयरिस हो गया। इनके काम में से प्यूपिल जो होता है आपका, प्यूपिल जो आपकी पुतली होती है काली वाली, वो ये डिसाइड करती है कि आँखों में से कितनी लाइट अंदर जानी है। जैसे मान लो आप रोड पे चल रहे हो और अचानक से लाइट आँखों पर पड़ती है, तो आपकी जो पुतली होती है वो सिकुड़ जाती है, छोटी हो जाती है आँखें, ताकि आपकी आँख उतनी लाइट अब्जॉर्ब नहीं कर पाती है। ऐसे आप अंधेरे से जब उजाले में जाते हो तब भी ऐसा होता है, आँखें हम मूंद लेते हैं। रीज़न उसका यही होता है कि प्यूपिल जितना लाइट चाहिए उतना ही अंदर एंटर कराता है। तो ये इसका आंसर होगा, राइट। और प्यूपिल क्या छोटा बड़ा करने का काम कॉर्निया कर, वो आयरिस करता है, ये ध्यान रखिएगा। विच, अच्छा पीछे ऑप्शन में से देखो, रेटिना पर जो आपका होता है वो इमेज बनता है, और कॉर्निया के थ्रू लाइट एंटर होती है आँख के अंदर, आयरिस कंट्रोल करता है प्यूपिल के साइज को, राइट। विच ऑफ द फॉलोइंग डिस्ट्रॉय द ओजोन लेयर, ओजोन जो लेयर होती है आपकी O3, उसको कौन डिस्ट्रॉय कर रहा है? तो वो है क्लोरीन, क्लोरोफ्लोरोकार्बन, CFC याद रखिएगा, CFC बेस पूछा जाता है आपसे, तो CFC जो है वही रिस्पॉन्सिबल है इसके लिए। क्लोरीन जो होता है आपका, ये इसकी लेयर को काट रहा है, और अंटार्कटिका है वहाँ पर ये लेयर में छेद भी पाई गई है आपको, तो ये ध्यान रखने वाली बात है आपका। उसके अलावा याद रखिएगा, ओजोन लेयर को जो होता है ओजोन ही कहते हैं हिंदी में भी, क्लोरीन को हिंदी में भी क्लोरीन ही कहते हैं, वहाँ पर ऑप्शन में भी यही आएगा, कुछ और नहीं आएगा। व्हाट इज़ द डिपॉजिटेड ऑन आयरन द सॉरी ठीक है डिपॉजिटेड ऑन आयरन इन द प्रोसेस ऑफ गैल्वनाइजेशन। देखो, गैल्वनाइजेशन इसको हिंदी में जस्तीकरण कहते हैं, जस्तीकरण के अंदर लोहे के ऊपर किसकी परत जम जाती है, तो वो होता है जिंक। देखो होता क्या है कि आयरन के ऊपर हम एक पॉलिश कर देते हैं, पेंट कर देते हैं, जिसकी वजह से क्या होता है वो जंग लगने से, कोरोजन रस्टिंग से बच जाता है, या बच नहीं जाता है, प्रोसेस धीरे हो जाती है जंग लगने की, तो उसको कहा जाता है जस्तीकरण। वो जिंक की परत करी जाती है, बहुत बार आ चुका है, कई बार आया हुआ सवाल है। मानव शरीर में, ये हिंदी में क्वेश्चन में इंग्लिश में बता दूंगा, उस एंजाइम का नाम बताइए जो कार्बोहाइड्रेट को तोड़ने में मदद करता है। वो कौन सा एंजाइम है जो कार्बोहाइड्रेट को ब्रेक करने में हमारी हेल्प करता है? देखिए, कार्बोहाइड्रेट्स जो होते हैं वो कॉम्प्लेक्स फूड होते हैं आपके। कॉम्प्लेक्स मतलब हो गया, एक तरह समझो कि पूरी की पूरी जो रोटी आपकी वो पचाना आसान नहीं होता, तो उसको तोड़ना पड़ेगा, उसको मुलायम करना पड़ेगा, उसको सॉफ्ट करना पड़ेगा, ताकि वो अंदर जाकर के डाइजेस्ट हो पाए। तो वो करता है आपका एमिलेज का, उसका काम होता है एमिलाइज का, या एमिलेज पढ़िए आप इसको, और ये फूड को तोड़ करके कॉम्प्लेक्स फूड को सिंपल फूड में कन्वर्ट करता है। कार्बोहाइड्रेट जो हम फूड लेते हैं उसमें रिच कंटेंट जो सबसे ज़्यादा मात्रा होती है वो कार्बोहाइड्रेट की होती है। अगला है कि हु फाउंडेड एंड नेम्ड द साइंस ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म, किसने साइंस ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म का नाम दिया था? तो जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म का नाम है इसको हिंदी में कहेंगे वैद्युत चुंबकत्व। तो वैद्युत चुंबकत्व का जो नाम है वो किसने दिया था? तो एम्पियर थे, एम्पियर ने इसका नाम दिया था। एम्पियर जो है वो करंट का मात्रक होता है, करंट की यूनिट होती है, करंट की जो इकाई है वो एम्पियर है। देखो अगला है, विच ऑफ द फॉलोइंग मेटल्स इज द मोस्ट रिएक्टिव मेटल? विच ऑफ द फॉलोइंग मेटल इज द मोस्ट रिएक्टिव मेटल, इसमें से कौन सा सबसे ज़्यादा रिएक्टिव मेटल है जो सबसे ज़्यादा रिएक्शन कर लेता है? तो देखो, इसमें ऑप्शन में से कैल्शियम है, याद रखिएगा आप कोड,
पोटेशियम, सोडियम, कैल्शियम और फिर मैग्नीशियम, ये चार याद रखिएगा। सीरीज़ बहुत बड़ी होती है, ये रिएक्टिविटी सीरीज़ कहलाती है आपकी, और उसमें सबसे टॉप पर होता है पोटेशियम, देन सोडियम, फिर कैल्शियम, फिर मैग्नीशियम। तो पोटेशियम भी नहीं है, सोडियम भी नहीं है, कैल्शियम भी नहीं है और मैग्नीशियम, ठीक है। और सबसे नीचे आपका आता है एजी और एयू, सबसे बॉटम लिस्ट में रहते हैं। एजी होता है आपका अर्जेंटा यानी कि चांदी, और एयू होता है ऑरम, ऑरम मतलब होता है गोल्ड, सोना। सोना और चांदी किसी से रिएक्शन बहुत कम कर ना के बराबर करते हैं। रिएक्टिव का क्या मतलब होता है कि जैसे किसी को रख दीजिए तो वो जल्दी से रिएक्शन करने का मतलब ये होता है, जैसे लोहे को रख दीजिए आप छत पे रख दीजिए, कुछ दिन बाद देखोगे उस पर जंग लग गई, यानी कि वो किसी से जुड़ गया, रिएक्शन कर लिया। लेकिन सोना चांदी जो होते हैं उसको अगर आप रख दोगे खुले में तो वो रिएक्ट नहीं करेगा, उस पर कोई भी जंग नहीं लगेगी, ख़राब नहीं होगा, गलेगा नहीं। पानी में डाल दीजिए कई सौ साल तक के लिए, उस पर कोई भी असर नहीं पड़ेगा, राइट, ये ध्यान में रखिएगा। विच ऑफ द फॉलोइंग मेटल इज़ द मोस्ट डक्टाइल मेटल, डक्टाइल मतलब होता है धातु तन्यता, धातु तन्यता मतलब होता है जिसको हम खींच करके एक तार बना सकें, डक्टाइल मतलब होता है उसको एक वायर में कन्वर्ट कर सकें। तो मेटल को पीट करके हम जो तार में कन्वर्ट करते हैं तो वो होता है आपका गोल्ड के अंदर। यहाँ पर समझिएगा जितने भी मेटल होते हैं सारे के अंदर पीट करके आप तार बना सकते हो सबको, लेकिन सबसे ज़्यादा जो प्रॉपर्टी होती है वो गोल्ड के अंदर होती है। 1 ग्राम गोल्ड से 2 किलोमीटर लंबा तार बना सकते हो, ये ध्यान रखिएगा, राइट। तो 1 किलोमीटर लंबा, 1 ग्राम से 2 किलोमीटर लंबा तार बना सकते हो वो किस प्रॉपर्टी की वजह से, डक्टिलिटी की वजह से ही। आपने कपड़े वगैरह सुने होंगे, बहुत महंगे कपड़े आते हैं लहंगे वगैरह या शादियों में शेरवानी वगैरह, और वो काफ़ी लाखों रुपए में होते हैं, तो वो सोने के तार, चांदी के तार जो होते हैं उनसे कढ़ाई की होती है, वो यही प्रॉपर्टी है मान के चलो उसका, ठीक है। देखो अगला है, डैश इज़ द स्टडी ऑफ माइक्रो एनाटॉमी ऑफ सेल्स टिश्यू एंड ऑर्गन्स एज सीन थ्रू अ माइक्रोस्कोप। तो जब माइक्रोस्कोप सूक्ष्मदर्शी से जब हम सेल्स वगैरह देखते हैं, टिश्यू देखते हैं तो और ऑर्गन्स, तो उसकी स्टडी को क्या कहते हैं। देखो जब किसी चीज़ की स्टडी करी जाती है उसको अंदर लास्ट में लॉजी वगैरह होता है, आपने ये पढ़ा होगा वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन के अंदर, तो यहाँ पर सभी के अंदर लॉजी है। तो जो हिस्टोलॉजी होती है उसका मतलब होता है ऊतक विज्ञान। वैसे आपको पता है कि जो सेल होता है और टिश्यू होता है इसकी हिंदी आप जानते ही होंगे, राइट। तो टिश्यू को हम हिंदी में उत्तक ही कहते हैं, राइट। आप जब हिंदी भी पढ़ते हो तो उत्तक लिखते हो, ब्रैकेट में टिश्यू लिख देते हो, तो इसका आंसर हो जाएगा हिस्टोलॉजी, उत्तक विज्ञान। देखो अगला जो है वो है, इज़ द ब्रांच ऑफ जियोलॉजी कंसर्न विद द स्टडी ऑफ एम्फीबियंस। वो कौन सा विज्ञान है, जो जंतु विज्ञान है, जो एम्फीबियंस, जो उभयचर की स्टडी को कहा जाता है। उभयचर जो होते हैं जो दोनों जगह पे रहते हैं, पानी में भी रहते हैं और लैंड जमीन पर भी रहते हैं, तो उसे कहा जाता है हर्पेटोलॉजी। हर्पेटोलॉजी की हिंदी होती है सरीसृप विज्ञान, तो सरीसृप विज्ञान इसका सही उत्तर हो जाएगा। डैश इज अ साइंटिफिक डिसिप्लिन कंसर्न विद द स्टडी ऑफ प्लांट पोलन स्पोर्स एंड सर्टेन माइक्रोस्कोपिक प्लैंकेटिक ऑर्गेनिज्म इन बोथ लिविंग एंड फॉसिल फॉर्म। तो ये जो है आपका वो ये पूछ रहा है कि किसके अंदर हम लोग जो जैसे पौधों के अंदर छोटे छोटे छेद होते हैं, राइट, और जो फॉसिल्स होती है मतलब जीवाश्म होते हैं उनकी जो स्टडी करे जाते हैं उसकी क्या क्या कहा जाता है उसको। तो ये बच्चे पैलेनोलॉजी होती है, पैलेनोलॉजी की हिंदी देख लीजिएगा आप सर्च करके एक बार, तो ये पैलेनोलॉजी कहलाती है जो अध्ययन होता है पौधों के अंदर छेद का, या फिर जो फॉसिल्स होती हैं आपके जीवाश्म होते हैं उनकी जो अध्ययन होता है उसको पैलेनोलॉजी कहा जाता है। रिकेट्स इज़ अ डिसीज़ एसोसिएटेड विद द डेफिशिएंसी ऑफ। रिकेट्स की जो बीमारी होती है वो किससे जुड़ी हुई है, तो रिकेट्स की हिंदी में कहते हैं सूखा रोग। तो सूखा रोग जो होता है वो विटामिन डी की कमी से होती है, हड्डियाँ जो होती हैं उससे टेढ़ी हो जाती हैं, छोटे बच्चों को ये बीमारी देखने को मिलती है, इसीलिए उनको धूप में जो सुबह सुबह जो टाइम होता है उसमें उनको रखा जाता है, धूप दिखाया जाता है, बिकॉज हड्डियाँ मजबूत रहेंगी, विटामिन डी की कमी से होती हैं ज़्यादातर बच्चों को, ये होती है छोटे बच्चों को, राइट। अगला है कि ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस ग्रीन प्लांट्स यूज एनर्जी फ्रॉम सनलाइट टू सिंथेसाइज डैश फ्रॉम कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर। कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर्स का यूज़ करके सनलाइट की प्रेजेंस में वो क्या बनाते हैं पेड़ पौधे, तो वो ग्लूकोज बनाते हैं। ग्लूकोज का जो रूप होता है वो एक भोजन का रूप है पौधों के लिए, राइट, और ये फॉर्मेशन होता है, ये बनता है फोटोसिंथेसिस के बाद, है ना। फोटोसिंथेसिस को प्रकाश संश्लेषण कहते हैं आपका हिंदी में, ठीक है, और ये ग्लूकोज को हिंदी में ग्लूकोज ही कहते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग एसिड फाउंड इन
एप्पल, सेब के अंदर कौन सा अम्ल पाया जाता है? तो मैलिक एसिड पाया जाता है। कुछ आप एसिड याद रखिएगा, जैसे ऑरेंज के अंदर या लेमन के अंदर सीट्रिक एसिड पाया जाता है, बड़ा पेपर में आता है ये, राइट। टमाटर के अंदर ऑक्जैलिक एसिड पाया जाता है, तो ये ध्यान रखिएगा, बड़ा ज़रूरी है ये सारे एसिड, ठीक है। निम्न में से ऐसे विनेगर आपका आ जाएगा, तो एसिटिक एसिड पाया जाता है आपका। कर्ड के अंदर लैक्टिक एसिड पाया जाता है, दही के अंदर। निम्नलिखित में से कौन सा विल्सन रोग का लक्षण नहीं है? तो विल्सन रोग का इसमें से कौन सा वो नहीं है, सिम्टम्स नहीं है इसमें से? तो रतौंधी को, जो रतौंधी जो होती है वो आँख की बीमारी है, विटामिन ए की कमी से होती है। बाकी सारे हैं, जो विल्सन जो होता है वो कॉपर के अधिकता की वजह से होता है बॉडी के अंदर, ये ध्यान रखिएगा, राइट। बेरिएट्रिक सर्जरी किसी व्यक्ति के डैश में परिवर्तन लाता है? जो बेरिएट्रिक सर्जरी अगर कोई करवाता है तो कौन सा सिस्टम उसका डिस्टर्ब होगा, वो पूछा जा रहा है यहाँ पर। तो ये गैसेस के बाईपास के लिए, गैस्ट्रिक बाईपास के लिए सर्जरी होती है आपकी बेरिएट्रिक सर्जरी, और ये डिस्टर्ब कर देता है आपको, वो चेंजेस लाता है पाचन, जो हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम है उसमें चेंजेस लाता है आपका, राइट। विच ऑफ द फॉलोइंग गैस रिड्यूस द ऑक्सीजन कैरिंग कैपेसिटी ऑफ द ब्लड? इसमें से कौन सी गैस ऑक्सीजन की जो कैपेसिटी है वो खून के अंदर कम कर देती है? तो वो होती है कार्बन मोनोऑक्साइड, CO कर देती है, राइट। और जैसे आपके कंडे हो गए, उपले हो गए, इनको जलाने से जो धुआं निकलता है आपका वो CO का होती है, इसकी वजह से उसमें अगर आप सांस लेते हैं तो थोड़ी दिक्कत हो सकती है आपके लिए। पॉलिनेशन ऑफ बर्ड इज कॉल्ड? तो पॉलिनेशन को कहते हैं परागण, जो चिड़ियों में जो परागण होता है वो उसकी क्या, उसको क्या कहा जाता है? तो ऑर्निथोलॉजी होती है, ये आपने वर्ण वर्ण वाले में पढ़ा होगा अंग्रेजी के अंदर, इसको हम लोग हिंदी में ऑर्निथोलॉजी को पक्षी विज्ञान कहते हैं। अगर आपको देखो किसी चीज़ का हिंदी अंग्रेजी ना समझ में आए तो एक बार ज़रूर उसका लैंग्वेज चेंज करके हिंदी भी देख लिया करो, कई बार हमें ऑप्शन मिल जाते हैं, क्लोज रहते हैं। तो चूना पत्थर एक तलछटी होता है जो मुख्यतः होता है, देखो चूना पत्थर जो होता है आपका, जो रॉक होते हैं आपके, जैसे आपके चौक देख लीजिए, चौक जो होता है उसको चूना पत्थर का एग्जाम्पल दे सकते हो। इसको हिंदी में खड़िया भी कहते हैं, जो चौक होता है वो पत्थर के रूप में भी आता है आपका। तो वो किसका एक फॉर्म होता है? तो वो कैल्शियम कार्बोनेट का होता है। आपको पता ही है कि चौक जो होता है वो एक कैल्शियम का वो है आपका, एक रूप है, तो उसमें कैल्शियम कार्बोनेट पाया जाता है, फॉर्मूला CaCO। देखो अगला जो सवाल है वो ये है कि विच ऑफ द फॉलोइंग आर अमंग्स द फ्यू कार्बन कंटेनिंग कंपाउंड नॉट क्लासिफाइड एज ऑर्गेनिक? इसमें से कौन सा ऑर्गेनिक नहीं है या कौन सा कार्बनिक नहीं है, किसमें कार्बन नहीं पाया जाता, ये पूछ रहा है ऑप्शन में, राइट। तो मीथेन जो होता है, मीथेन कार्बनिक कंपाउंड है, CH4 फॉर्मूला होता है। न्यूक्लिक एसिड भी कार्बनिक कंपाउंड है, प्रोपेन भी एक कार्बनिक कंपाउंड है, राइट। साइनाइड जो होता है इसका फॉर्मूला CN होता है, इसमें कार्बन नहीं पाया जाता है। इस सी से कन्फ्यूज मत होइएगा, ये CN एक एलिमेंट है जो पीरियोडिक टेबल में मौजूद होता है, साइनाइड इसका नाम है, राइट। मेटल ऑक्साइड आर डैश इन नेचर? देखो मेटल का जो ऑक्साइड होता है, मेटल ऑक्साइड क्या होता है, जैसे लोहा है तो लोहे के ऊपर जब जंग लग जाती है, कभी उसको हाथ से पकड़िए आप तो आपका हाथ लाल हो जाता है, या एक एक लेयर सा वो छोड़ता है, या एक पार्टिकल्स जो होते हैं पाउडर टाइप का वो छोड़ता है, उसी को हम मेटल का ऑक्साइड कहते हैं, जो जंग उसके ऊपर लगी होती है। तो वो बेसिक नेचर का होता है, बेसिक मतलब होता है कड़वापन उसके अंदर होगा, राइट। तो दो सवाल बनते हैं यहाँ से कि मेटल का ऑक्साइड यानी धातु का जो ऑक्साइड होता है वो कैसा होता है? तो ये जो बेसिक होता है इसका मतलब होता है क्षारीय, राइट। अब इसका हिंदी देख लीजिएगा, क्षारीय होता है इसका, राइट। और जो मेटल का, नॉन मेटल का जो ऑक्साइड होता है वो एसिडिक होता है, नॉन मेटल का एसिडिक और मेटल का जो ऑक्साइड होता है वो बेसिक नेचर, मेटल का बेसिक और नॉन मेटल का एसिडिक होगा, इसको ध्यान रखिएगा। नॉन मेटल को कहते हैं अधातु और मेटल को कहते हैं धातु, राइट। व्हाट इज़ मार्बल कैंसर? मार्बल कैंसर क्या होता है, हिंदी में इसका यही होगा, मार्बल कैंसर ही होगा। तो मार्बल कैंसर क्या होता है कि जो आपके जैसे प्रेसियस वो आपके हैं, जैसे कि ताजमहल है आपका, तो होता ये है कि उसमें जब एसिड, देखो हमारे जो जो वो हैं बड़े शहर हैं वहाँ पर कंपनियाँ बहुत ज़्यादा हैं वहाँ पर, उसकी वजह से क्या होता है, जो एटमोसफियर है वो काफ़ी पॉल्यूट हो चुका है, जिसकी वजह से जो बारिश होती है उसमें एसिड बरसता है। तो ये जो एसिड होता है ये सल्फ्यूरिक एसिड होता है, और ये हमेशा नहीं होता है, जो फर्स्ट रेन होती है जनरली उसमें सबसे ज़्यादा एसिड पाया जाता है, लेकिन ऑलमोस्ट अब देखो तो कंपनियां बहुत ज़्यादा आ गई हैं आपकी, तो इसकी वजह से धुआं उनका जो निकलता है उसकी वजह से एसिड रेन होता है, और वो जो एसिड है वो काला कर देता है या मार्बल्स की जो क्वालिटी है उसको फेड कर देता है, उसी को मार्बल कैंसर कहा जाता है। इसी वजह से गवर्नमेंट ने अब ये कुछ
रिस्ट्रिक्शन बनाए हैं आपके कि जो भी मॉन्यूमेंट्स आपके जो स्मारक होते हैं उनके आसपास काफ़ी एरिए के अंदर कोई बड़ी कंपनी इस तरह का नहीं होना चाहिए या पॉल्यूशन वगैरह उनमें नहीं होना चाहिए, राइट। एसिड ड्रेन को हम अम्लीय वर्षा कहते हैं, ठीक है। सल्फर डाइऑक्साइड SO2 और NO2 दो गैसें होती हैं जो उसके लिए रिस्पॉन्सिबल होती हैं, किसके लिए, एसिड ड्रेन के लिए, अम्लीय वर्षा के लिए। इज़ द हॉटेस्ट प्लैनेट इन द सोलर सिस्टम, देखो डैश इज़ द हॉटेस्ट, सबसे गर्म प्लैनेट कौन सा होता है सोलर, सौर ग्रह में, सौ उपग्रह जो आपके होते हैं सोलर सिस्टम जो होता है आपका, उसमें सबसे गर्म जो होता है वो कौन सा होता है, तो वीनस होता है। वीनस को हिंदी में क्या कहते हैं थोड़ा आप कॉमेंट में ज़रूर लिखिएगा, और कॉमेंट में ज़रूर लिखिएगा बच्चे कि आपको चीज़ें ठीक लग रही हैं और धीरे बताने की ज़रूरत है या और तेज़ बताने की ज़रूरत है, तो उससे हमें मालूम चलता है आगे के लिए, राइट। अभी सीजल 19 का भी जो भी हुआ था वो सारा कंपाइल करके मैं आपको एक बार दे देता हूँ, राइट। तो प्लीज़ ज़रूर लिखिएगा, वीनस की हिंदी में क्या कहते हैं कमेंट में ज़रूर लिखिएगा। बृहस्पति है कि शुक्र ग्रह है, कौन सा ग्रह है ज़रूर लिखिए नीचे। एन अडल्ट मैन बॉडी हैज़ डैश बोन, तो बचपन से हम पढ़ते आए हैं कि जो एक वयस्क मनुष्य होता है उसके शरीर में 206 हड्डियाँ होती हैं, राइट, ये ध्यान रखिएगा। जो और जो बच्चा होता है उसके में ज़्यादा होती हैं, ये ध्यान रखिएगा। विच हॉर्मोन्स लीड्स टू द एक्सक्लूजन ऑफ मिल्क फ्रॉम द ब्रेस्ट ड्यूरिंग सकलिंग, देखो जब बच्चा, छोटा बच्चा जब दूध पीता है माँ का, तो उस समय कौन सा हॉर्मोन्स वो होता है उसके लिए रिस्पॉन्सिबल है, तो वो देखिएगा प्रोलेक्टीन है इसका नाम, याद रखिएगा प्रोलेक्टीन हार्मोन, ये ज़रूरी है, इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अगर डायरेक्ट आएगा तो सीधा आएगा, इसमें कुछ घुमा फिरा के नहीं आएगा, राइट। टिड्डा के कान उसके डैश पर स्थित होते हैं, जो टिड्डा होता है, टिड्डा मतलब होता है लोकस्ट, राइट। अभी लोकस्ट का अटैक हुआ था लास्ट कोरोना का जब बीच में था, तो काफ़ी ज़्यादा लोकस्ट आए थे इंडिया में, तो उनके जो कान होते हैं उसके पैरों पर होते हैं, आपने अगर देखा हो तो, राइट, तो ये ध्यान रखने वाली बात है। एक बैटरी डैश ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करती है, देखो जो बैटरी होती है आपको, तो बैटरी में डाला जाता है केमिकल्स, राइट। आप ऐसे पानी में डालते हो, जनरली भरा जाता है सल्फ्यूरिक एसिड, और वो क्या करता है, वो चार्ज हो करके उसमें आयंस होते हैं प्लस माइनस, और वो आपको एनर्जी देता है, एनर्जी कह रहा हूँ बिजली देता है, तो बिजली को बोलेंगे इलेक्ट्रिकल एनर्जी, तो ये कन्वर्ट करता है केमिकल एनर्जी टू इलेक्ट्रिकल एनर्जी, राइट, और रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में कन्वर्ट करता है। जैसे आपको मोटर देखो, तो मोटर जो आपका होता है उसको हम बिजली देते हैं और वो हमारे काम को कर रहा होता है, तो मोटर आपका इलेक्ट्रिकल एनर्जी को मैकेनिकल एनर्जी में कन्वर्ट करता है, तो ये सभी परीक्षा में आती है। जनरेटर को आप हैंडल से घुमाते हो तो उसको मैकेनिकल एनर्जी देते हो और वो हमें बिजली देता है, तो वो मैकेनिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में, ठीक है ना, यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में कन्वर्ट करता है, तो ये ध्यान रखने वाली बात है। हु वॉन द नोबल प्राइज़ इन 1906 फॉर द न्यूरॉन डॉक्ट्राइन, ठीक है। तो यार नोबल प्राइज़ 1906 के लिए न्यूरॉन के लिए आपको ये नाम याद ही रखना पड़ेगा, सेंटियागो, और बाकी का नाम देख लीजिएगा, तो इसको याद ही करने रहेगा, ये फैक्ट बेस्ड है आपका। लॉ ऑफ ऑक्टेव सेज द केमिकल एलिमेंट्स आर अरेंज अकॉर्डिंग टू इंक्रीजिंग एटॉमिक वेट, दोज विथ सिमिलर फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज अकर आफ्टर ईच इंटरवल ऑफ डैश एलिमेंट। देखो लॉ ऑफ ऑक्टेव ये कहता है कि अगर हम जो एलिमेंट्स होते हैं जिनको आवर्त सारणी पीरियोडिक टेबल में रखा जाए, एटॉमिक वेट मतलब परमाणु भार के बढ़ते हुए क्रम में, तो हर कौन सा एलिमेंट सेम प्रॉपर्टी दिखाएगा, देखो उसका क्या मतलब होता है। एक ऑक्टेव थे, ऑक्टेव का एक नियम है, देखो पीरियोडिक टेबल जो हमारी है आवर्त सारणी केमिस्ट्री के अंदर, उसको कई लोगों ने दिया है, लास्ट में जाकर के आपका मेंडलीव ने बहुत हद तक उसमें काम किया, एंड देन एक मॉडर्न टेबल आई जो हम आज एक्सेप्ट करते हैं। मेंडलीव से पहले ऑक्टेव आए थे, ऑक्टेव ने ये कहा था कि हर एलिमेंट के बाद, सात एलिमेंट के बाद जब आठवां एलिमेंट पर आओगे, जैसे ये है टेबल में ऐसे करके रखे हुए हैं, तो ये सारे एलिमेंट एक साथ इसलिए रखे हुए हैं क्योंकि इनकी प्रॉपर्टी एक जैसी है, तो ये सात के बाद आठवां एलिमेंट सेम प्रॉपर्टी था, इसलिए इसको ऑक्टेव कहते हैं। ऑक्ट मतलब होता है आठ, अष्टक का नियम, राइट। तो अष्टक का नियम यही हुआ कि हर आठवां एलिमेंट सेम प्रॉपर्टी दिखा रहा है, लेकिन यहाँ पर आपको पूछा था कितने एलिमेंट के बाद, तो सात एलिमेंट के बाद, ऐसे सात एलिमेंट छोड़ करके आठवां एलिमेंट आओगे, हर सात एलिमेंट के बाद आठवां एलिमेंट सेम प्रॉपर्टी दिखा रहा था। बाद में ये सारे फेल हो गए थे, कुछ इनकी लिमिटेशन, कुछ कमियाँ थी जो इनको फेल कर देता है। विच ऑफ द फॉलोइंग एलिमेंट्स इज एन एक्टिनाइट, देखिए जो हमारी आवर्त सारणी से बड़े सवाल आए हैं, आपको ध्यान रखने की ज़रूरत है, एक बार जरूर गो थ्रू हो लीजिएगा, देख लीजिएगा, तो आपको इसमें दो जो मेन टेबल है उसके नीचे दो बने होते हैं ऐसे करके, एक लेंथेनाइड होता है और एक एक्टिनाइड होता है, तो वही पूछा इसमें से कौन सा एक्टिनाइड है, तो एक्टिनाइड के लिए बच्चों क्यूरियम है, इसमें आप याद ही रखना पड़ेगा, और कोई तरीका इसके लिए नहीं है। द डेफिशियंसी ऑफ विच न्यूट्रिएंट कॉज नाइट ब्लाइंडनेस,
जो रात्रि आर्द्रता होती है, यानी कि जो आपको रात में दिखाई नहीं देता, वो किसकी वजह से, उसको हम कहते हैं रतौंधी कहते हैं बीमारी को हिंदी में, और वो विटामिन ए की कमी से होता है। विटामिन ए के जो सोर्स है वो हरे सब्जियां होती हैं, और ये आंखों की बीमारी होती है। डैश वॉज द फर्स्ट पर्सन टू आइसोलेट मीथेन गैस। वह कौन से व्यक्ति हैं जो जिन्होंने अलग किया मीथेन गैस को। ही डिस्कवर्ड दैट मीथेन मिक्स विथ एयर कुड बी एक्सप्लोडेड यूजिंग एन इलेक्ट्रिक स्पार्क। उन्होंने कहा था कि मीथेन को अगर हम हवा में मिला करके और क्या कर दें, स्पार्क कर दें, चिंगारी पैदा कर दें, तो वहाँ पर विस्फोट हो सकता है। तो ये जिन्होंने कहा था वो वोल्टा है, वोल्टा नाम याद रखिएगा, वोल्टा का ये आपका कॉन्सेप्ट है ना, एलेजेंड्रो वोल्टा ध्यान रखिएगा। हु इन्वेंटेड द एटॉमिक बैटरी इन 1912। 1912 में एटॉमिक बैटरी, परमाणु बैटरी का किसने खोज करा था, तो वो करा था हेनरी मोजले। हेनरी मोजले बच्चे वो हैं जिन्होंने आवर्त सारणी, जो आधुनिक यानी कि जो मॉडर्न पीरियोडिक टेबल है, उसमें बहुत बड़ा रोल हेनरी मोजले का भी है, राइट। डैश कोडिफाइड द फर्स्ट टू लॉ ऑफ थर्मोडाइनेमिक्स एंड डिड्यूस दैट द एब्सोल्यूट जीरो टेम्परेचर इज -273.15 डिग्री सेल्सियस। ही वॉज ऑनर्ड फॉर हिज विथ दिस नेमिंग ऑफ द केल्विन टेम्परेचर स्केल। देखो कुल मिलाकर कहने का मतलब ये है कि धरती पर जो सबसे मिनिमम न्यूनतम तापमान हो सकता है वो -273 डिग्री सेल्सियस हो सकता है, और एक टेम्परेचर, तापमान को चेंज करने की इकाई होती है वो डिग्री सेल्सियस, और एक केल्विन, हम लोग जो टेम्परेचर नापते हैं वो डिग्री सेल्सियस में नापते हैं, वैसे एक केल्विन भी होता है आपका। तो केल्विन ने जो बताया था वो यही बताया था कि इस धरती पर इतने से कम टेम्परेचर पॉसिबल ही नहीं है, राइट। वैसे तो -50 ही देखा आपने कई बार होता है लेह वगैरह में, तो वहाँ कैसे दिक्कत हो जाती है। तो ये कहा था विलियम थॉम्सन ने, राइट, ये ध्यान रखिएगा। और ये याद रखिएगा कि डिग्री सेल्सियस को केल्विन में चेंज करने का फॉर्मूला होता है, तो क्या करते हैं, डिग्री सेल्सियस में 273 जोड़ देते हैं, 273 ऐड करके आप केल्विन में चेंज कर सकते हो डिग्री सेल्सियस की जो भी वैल्यू रहेगी। तो ब्राज़ीलियन फिजिसिस्ट एंड एस्ट्रोनॉमर डैश वॉज अवार्डेड द 2019 टेम्पलिन प्राइज विथ वर्ड्स इतने रुपये फॉर हिज वर्क ब्रीडिंग साइंस एंड स्पिरिचुअलिटी। तो इनका नाम याद रखना पड़ेगा आपको, ग्लेशियर नाम याद कर लीजिए, मार्सिलो ग्लेशियर, ठीक है। तो ये नाम याद कर लीजिए आप, और इनको किसके लिए, स्पिरिचुअलिटी मतलब होती है आध्यात्म और साइंस दोनों के लिए है, तो ये नाम याद करना पड़ेगा आपको। विलियम क्रूक्स वॉज ए फिजिकल केमिस्ट हु डिस्कवर एंड नेम द एलिमेंट। तो यार क्रूक्स ने किसका खोज किया था, यार ये सब फैक्ट बेसिस है, ये बहुत रेयर केस आपको याद हो सकता है, कोई एक्सपर्ट होगा यानी जो इसमें वो कर रखा होगा, मतलब इसी की पढ़ाई करा हो केमिस्ट्री से, या तो बीएससी कर रखा हो तो उसको हो सकता है पता हो, या फिर याद होगा तभी तो कर पाएगा। तो थेलियम एक एलिमेंट होता है आपको, उसकी विलियम क्रूक्स ने डिस्कवरी करी थी और उसका नाम दिया था थेलियम, ठीक है, TH से रिप्रेजेंट करा जाता है। हु अमॉन्ग द फॉलोइंग गेव द लॉ ऑफ ऑक्टेव। अष्टक का नियम किसने दिया, देखो मैंने अष्टक पीछे बताया था, तो अष्टक का नियम जो है वो न्यूलैंड का नियम है, न्यूलैंड साइंटिस्ट है, और जो ये जो नियम है ये सारी पीरियोडिक टेबल, आवर्त सारणी एक बार जरूर देख लीजिएगा, आवर्त सारणी से रिलेटेड है, राइट। व्हाट इज़ द डोमिनेंट केमिकल प्रेजेंट इन विनेगर। विनेगर मतलब होता है आपका सिरका, सिरके के अंदर सबसे ज़्यादा मात्रा किसकी होती है, तो वो होती है इथेनोइक एसिड की, फॉर्मूला होता है CH3COOH, और इथेनोइक एसिड को पानी के अंदर हम 7 से 8% मिलाते हैं, ध्यान रखिएगा, जब 7 से 8% इथेनोइक एसिड को वाटर में डिजॉल्व करके घोल दिया जाता है तो आपका विनेगर बनता है, ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग क्रिएचर इज ओवीपोरस। ओवीपोरस मतलब होता है जो अंडे देते हैं, अंड पशु कहते हैं इसको, अंडे जो देते हैं, तो जो मेढक होते हैं आपके, मेढक के अंडे होते हैं वो अंडे देते हैं, बाकी चूहा हो गया, गिलहरी हो गई, खरगोश हो गया, रैबिट वगैरह, ये सारे बच्चे पैदा करते हैं, ये ध्यान रखने वाली बात है। आ ट्रेडिशनल बैटरी कंटेन्स विच ऑफ द फॉलोइंग केमिकल्स। बैटरी के अंदर कौन सा केमिकल पाया जाता है, जो हमारी बैटरी होती है जैसे इन्वर्टर वाली बैटरी, उसमें H2SO4 सल्फ्यूरिक अम्ल भरा जाता है। विच ऑफ द फॉलोइंग क्रिएचर इज ओवीपोरस, ये तो हमने कर ही लिया अभी पीछे था, है ना। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द थर्ड स्टेज इन द मेटामॉर्फोसिस ऑफ अ बटरफ्लाई। तो देखो मेटामॉर्फोसिस ऑफ बटरफ्लाई क्या होता है, जो बटरफ्लाई होती है उसका जो जो जन्म होता है यानी उसकी जो फाइनल बॉडी आती है उसके बीच में कई सारे स्टेज होते हैं, तो इसको काया रूपांतरण कहते हैं, या काया मतलब होती है आपकी शक्ल, आपका रूप, और उसके बनने में जो बीच में स्टेजेस होते हैं वो फाइनल थर्ड स्टेज जो होती है वो प्यूपा कहलाती है ना।
तो प्यूपा ही, इसको हिंदी में प्यूपा ही कहते हैं, ये ध्यान रखिएगा, ये बार बार पेपर में आ चुका है कई बार, तो रिपीटेड सवाल है ये। विच ऑफ द फॉलोइंग प्लांट इज कार्निवोरस, तो कार्निवोरस इसमें से कौन सा आपको बताना है, तो कौन सा पौधा हो जाए जो मांस खाता है, कार्निवोरस मतलब होता है मांसाहारी है, तो वो है वीनस फ्लाई ट्रैप, नाम याद रखना पड़ेगा आपको, वीनस फ्लाई ट्रैप, ये मांसाहारी पक्षी वो प्लांट है, पौधा है, ध्यान रखिएगा, ये जानवर नहीं है, पौधा है, ठीक है। द एक्सप्लोजन ऑफ क्रैकर्स इज एन एग्जाम्पल ऑफ, पटाखों का जब पटाखे फटते हैं वो किसका उदाहरण है, तो कम्बशन, कम्बशन मतलब क्या होता है, जलना, पटाखे में क्या होता है जब आप माचिस जलाते हो तो ऑक्सीजन की वजह से, देखो कम्बशन मतलब होता है विद द हेल्प ऑफ ऑक्सीजन, जब कोई चीज़ हवा की मदद से जलती है उसको कम्बशन कहा जाता है, राइट, तो वो दहन क्रिया होती है, जलना होता है, आपने देखा होगा फुलझड़ी वगैरह जलाते हो तो वहाँ पर आपको एक जलती हुई कोई चीज़ नज़र आती है, उसको हम कम्बशन कहते हैं। सल्फ्यूरिक एसिड वाला था ही पीछे आपका, प्यूपा वाला आपने करा ही दिया था। अब ये देखो, व्हाट इज़ द पॉपुलर नेम ऑफ एस्कॉर्बिक एसिड, बड़ा इंपॉर्टेंट सवाल है, एस्कॉर्बिक एसिड को और किस नाम से जानते हैं, एस्कॉर्बिक एसिड को हम हिंदी में भी एस्कॉर्बिक एसिड ही अम्ल ही होता है, विटामिन सी से जानते हैं, विटामिन सी जो होता है वो रसेदार फलों के अंदर होता है जिसमें रस होता है, उसको सीट्रस फ्रूट भी कहते हैं, है ना। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द ब्राइटेस्ट स्टार इन द ओरियन कॉन्स्टेलेशन, देखो आपकी सबसे चमकीला तारा कौन सा होता है, तो रिगल, आप नाम याद रखिएगा, रिगल याद रखिएगा, रिगल याद करिएगा, ये ध्यान रखिएगा। अच्छा, आपके जो तारामंडल है उससे भी सवाल बड़े ज़्यादा आते हैं, उसको भी ध्यान रखिएगा, थोड़ा ग्रह देख लीजिए, सॉरी आपका सोलर सिस्टम देख लीजिएगा और थोड़ा तारामंडल से रिलेटेड भी देख लीजिएगा। विच ऑफ द फॉलोइंग प्लांट, ये तो करा ही दिया आपको मैंने, अच्छा एस्कॉर्बिसन, उसके बाद आपको ये है, अच्छा इस सिरका वाला करा ही दिया आपको, हाँ। विच इंस्ट्रूमेंट इज़ यूज टू मेज़र ब्लड प्रेशर, ब्लड प्रेशर को नापने के लिए कौन सा वो यंत्र यूज़ किया जाता है, इंस्ट्रूमेंट यूज़ किया जाता है ना, तो इसका नाम याद रखिएगा स्पाइग्मोमैनोमीटर इसको कहते हैं, और इसको हम हिंदी में रक्त दाब मापी, अगर मैंने आपको पहले ही कहा, अगर आपको इंग्लिश ना समझ में आए तो उसको कन्वर्ट कर लीजिएगा, वहाँ पर ऑप्शन रहता है हिंदी में और आपको कुछ क्लियरिटी मिलेगी, राइट। आपको देखोगे तो ब्लड रक्त को नाप, रक्त के दबाव को नापने के लिए कौन सा इंस्ट्रूमेंट यंत्र यूज़ करते, हो सकता है आपको अंग्रेजी में ये ना पता हो, हिंदी देखोगे तो आपको जरूर समझ में आएगा। द टर्म डैश इज़ प्रीफिक्स टू साइंटिफिक टर्म टू डिस्क्राइब समथिंग दैट इज़ कॉ, अगर कोई चीज़ फिक्स है जो कभी बदल नहीं सकती, कॉन्स्टेंट है, तो उसके लिए हम साइंस में किसी भी नाम के आगे प्रीफिक्स मतलब होता है पहले, क्या यूज़ करते हैं, तो आइसो यूज़ किया जाता है आपका, आइसो मतलब होता है बिल्कुल कॉन्स्टेंट, सेम, चेंज नहीं होगा, उसको आइसो कहते हैं। ब्लू लिटमस पेपर टर्न्स, देखो लिटमस पेपर होते हैं आपके, और ये पता करने के लिए होता है कि कौन सा सोल्यूशन, कोई सा घोल दिया हुआ है तो वो एसिड है या बेस है, तो ब्लू वाला लिटमस पेपर टर्न ऑन कॉन्टेक्ट, जब इस पर जब हम एसिड डालते हैं, ध्यान रखना, तो ब्लू वाला रेड में कन्वर्ट हो जाता है, राइट, और रेड वाला लिटमस पेपर वाला, उस पर जब आप बेस डालते हो तो ब्लू लिटमस पेपर रेड में कन्वर्ट हो जाता है, तो जो एसिड होता है वो रेड को ब्लू में, ब्लू को रेड में चेंज कर देता है, ध्यान से सुनो, एसिड वाला, एसिड जो होता है, एसिड सॉल्यूशन, वो ब्लू लिटमस पेपर को रेड में चेंज करता है, और जो बेस होता है, जो क्षार होता है, एसिड मतलब अम्ल मतलब क्षार होता है, क्षार जो होता है वो रेड वाले को ब्लू में चेंज कर देता है। अबाउट 70% ऑफ द सन इज़ मेड अप ऑफ, 70% सन का, सूरज का क्या है, तो वो हाइड्रोजन, ऐसा माना जाता है कि हाइड्रोजन की एडिशन रिया, दो हाइड्रोजन जुड़ करके वहाँ पर हीलियम बनाते हैं, यानी वहाँ पर एक एनर्जी पैदा होती है और उसकी वजह से ही सूरज एक जलता हुआ आग का गोला है, राइट, तो वहाँ पर हाइड्रोजन की आपस में संलयन अभिक्रिया होती है, उसको हम कहते हैं कम्बशन रिएक्शन। एक्चुअल में ये कम्बशन वर्ड नहीं है, वहाँ पर फ्यूज़न एक वर्ड आता है, दो रिएक्शन होती है, एक फ्यूज़न एक फिजन होता है, फिजन मतलब होता है टूटना, विखंडन, और फ्यूज़न मतलब होता है आपका जुड़ना, तो नाभिकीय संलयन अभिक्रिया होती है, न्यूक्लियर फ्यूज़न अभिक्रिया होती है सन के ऊपर। व्हाट इज़ द डोमिनेंट केमिकल प्रेजेंट इन द डिटर्जेंट पाउडर, जो सर्फ होता है आपका, डिटर्जेंट पाउडर होता है, उसमें क्या प्रेजेंट होता है, तो सोडियम कार्बोनेट Na2CO3, इसका फॉर्मूला होता है साबुन सर्फ का Na2CO3, और 10 क्रिस्टल होते हैं वाटर के, इसको कहते हैं क्रिस्टलाइजेशन, पानी के 10 एटम मौजूद होते हैं किसके अंदर, सर्फ के अंदर। नमक का यूज़ करके बनाते हैं आपका वॉशिंग सोडा। नेम द टिश्यू दैट ट्रांसपोर्ट फूड टू वेरियस पार्ट ऑफ द प्लांट, देखो ये बड़ा कॉमन सा सवाल है कि पौधों के अंदर खाना कौन लेके जाता है, खाना ले जाने का काम होता है फ्लोएम का, और पानी ले जाने का काम होता है जाइलम का, तो जाइलम उत्तक
उत्तक मतलब टिश्यू होता है, जाइलम आपका पानी लेके जाता है, जल लेके, जाइलम से जल याद रखिएगा, और फ्लोएम जो होता है आपका खाना, फूड लेके जाता है। इन विच पार्ट ऑफ द फीमेल फ्लावर डस फर्टिलाइजेशन टेक्स प्लेस, जो निश्चेचन की प्रक्रिया होती है, फर्टिलाइजेशन का जो काम होता है पौधे के अंदर, वो कहाँ होता है? वो ओवरी के अंदर होता है। ये बहुत कॉमन सा सवाल है, सबको पता है ये। नाइट ब्लाइंडनेस इज कॉज्ड बाय द डेफिशिएंसी ऑफ, तो रात्रि अंधता जिसको हम रतौंधी कहते हैं, पहले भी आ चुका है ये, देखो रिपीट करता है सवाल बार बार, विटामिन ए की कमी से होता है, ध्यान रखिएगा। देखिए अगर आपको यहाँ पर ख़त्म करा, मैं जितने सवाल थे मैंने करा दिए, अगर आपको कोई डाउट है तो ज़रूर आप उसको कमेंट में लिखिएगा, पहली बात, टाइम के साथ लिखिएगा, सर इस टाइम पर ये वाला थोड़ा सा बता दीजिए, मैं कर दूँगा। सीजीएल 19 में जो भी सवाल जनरल साइंस के आए थे वो मैं करूँगा, ज़रूर कमेंट में बताइएगा कि चीज़ें कैसी लगी, कैसा है, थोड़ा आराम से कराने की ज़रूरत है थोड़ा, क्योंकि टाइम है नहीं, पेपर आपका पास में है, मैं पूरी कोशिश कर रहा हूँ कि कम से कम कंपाइलेशन दे दूँ आपको कैसे करके, और जैसा भी आप ज़रूर इसका फीडबैक मुझ तक ज़रूर दीजिएगा।